हमारे हार्दिक भाई सेम भाई चश्मा पहन के तो ऐसा लग रहा है हमारे गांव में पता है दूध लेने आता था सेम बच्चा एप्पल वालों को भाई पापा ने 30 रुपए ट्रांसफर किए और भाई डमरू फुल डमरू वाला स्टेप मेरा तो थोड़ा चलो बच्चा भी है ना यहाँ तो बस वही है लस्सी समझ के जो पिया है ना आपने बट हाँ आपको हिंदी में मैं बोलूँ या फिर इंग्लिश में बोलूँ इंग्लिश ओके शी इज वेरी चालाक ब्रो What's up guys? Welcome back to the channel and in another vlog. I know आपने जो पिछला वाला vlog देखा वो मेरा Snapchat music video का था but ये वाला जो vlog है ये मैंने new one and only iPhone 14 Pro Max से ले रहा हूँ and please मेरे को comment section में बताना इसका कैसा quality आ रहा है and अभी just जो है मैंने ना घर पे आते मैंने direct editing की है and editing करते ही मैंने अपना जो है upload पे डाल दिया and upload भी हो चुका है and lots of people are just मतलब बोल रहे ना इतना ज्यादा प्यारे प्यारे कमेंट कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे उसके लिए थैंक यू सो मच बाकी अपना जो है खाना भी यहाँ पर आ चुका है जो मेगा ने बनाया है एंड ऑब्वियसली जो मेरा पुराना फोन है वो मेगा को दूंगा मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा यार पुराना फोन ले रही है इसको तो नया देने का मन था बट फिर वही है कि हमारे जो इतने ज्यादा जो खर्चे हैं वो ही नहीं कंप्लीट हो रहे तो फिर मेगा ने भी बोल ही दिया बट लो मेगा आर यू इंटरेस्टेड और नॉट लो ये आपका फोन हो चुका है ये मेगा का फोन है ये मैं ले लूंगा बिकॉज इसमें क्या ना मैं सोच रहा हूँ कि दो दो फोन रख लेता हूँ बिकॉज एक में जो है मैं मतलब जितने भी मेरे मेल्स वगैरह है तो मैं इस पे आएगा इतना ज्यादा खुशी हो रहा है मैं बता ही नहीं सकता बस भाई ये डोंट फॉरगेट कि आपको कमेंट में बताना है दैट क्वालिटी कैसी आ रही आई नो ये लाइटिंग की वजह से आप देख रहे हो ये लाइटिंग भी सेम है एंड फिर उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत क्वालिटी सेम ही आ रहा होगा पुराने ब्लॉग से बट ये इसका ना स्क्रीन गार्ड है भाई ये फोन नहीं टूटा इसका स्क्रीन गार्ड जो है ना वो थोड़ा बार बार से टूट गया मेगा आर यू हैप्पी बेचारी क्या ही हैप्पी हो रही होगी मेगा पुराना फोन जो है 64 GB का है ये फोन तो बाकी मेगा को दे रहा हूँ मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा बट क्या करे मेगा ले ले अभी कोई नहीं जब अच्छे से और ज्यादा कमाऊंगा ना तो पक्का तेरे को मैं क्या तेरे बिना बोले देखो गिफ्ट दूंगा सरप्राइज फॉर श्योर मतलब ऐसा था कि मेरा ये जो फोन है ना ये वाला पुराना वाला इसमें क्या है ना बस यही इशू था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था दैट कि इसका ना स्पेस का प्रॉब्लम था क्योंकि मेरे को पुराने व्लॉग्स जितने भी थे वो मेरे को डिलीट करने पड़ते थे लिटरली डिलीट करने पड़ते थे नया व्लॉग जो है मेरे को सेव करने के लिए भाई साहब वो उसमें से पुराने व्लॉग्स डिलीट करने पड़ते थे पापा से भी मिलते हैं बिकॉज पापा को मैंने वही जस्ट बोला अभी आया हूँ मैं सुबह बट वही मैंने पापा को बोला पापा अरे पापा जी फुल बनियान में मैं बोला था कैसा फील हो रहा है आपके बेटे ने फुल एकदम वो ले लिया फोन तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है पापा ने बोला था कि भाई इतना महंगा फोन है इसके साथ गिफ्ट वगैरह भी दो बट फिर गिफ्ट तो दिया नहीं उन लोगों ने गिफ्ट कहाँ से देंगे वो मैं उल्टा 30 रुपया ज्यादा हो अरे हाँ भाई साहब पापा ये वाला बताना जरा इनको 30 रुपया अरे वो यार वो गाड़ी पार्किंग से निकाला था मैंने वहाँ पार्किंग में उसको 30 रुपया देना था पार्किंग मैं ऑलरेडी उसका पे कर चुका था तेरा मोबाइल का मैं सोचा पार्किंग वाला होगा बोल के कर दिया उसके में चला गया भाई कसम से एप्पल वालों को भाई पापा ने 30 रुपए ट्रांसफर किया और पापा ने मेरे को फोन मतलब मेगा को फोन करके बोला कि यार 30 जो है 30 रुपए और मेरे को लगा 30,000 भाई साहब मैं ऐसा डर गया मैंने लगा आपने 30,000 गूगल पे से कर दिया 30,000 तो फिर पापा खुद दौड़ते हुए आते भाई मेरे 30,000 वापस करो बट 30 रुपए थे मैंने बोला पापा 30 मतलब यार 1 रुपये बहुत मायने करता है फिर हमने उनको बोला कि सर 30 रुपए आ गए करके तो उन्होंने बोला सर अभी 30 रुपए भी कैसे ही दे हम वापस उन्होंने दिया नहीं बट कोई नहीं साले गिफ्ट दे उल्टा मैंने गिफ्ट दे दिया चलो भाई अभी खाना खा लेते बिकॉज मैंने सुबह अभी कितने पता है 12 बज चुके हैं और मैंने भाई कुछ भी नहीं खाया तो मेरे ने यहाँ पर अंडा और रोटी बना हुआ है वो खाते सो गाइस मेरे घर पे ना वो चल नहीं रहा था वाईफाई तो मेरे को व्लॉग भी अपलोड करना था आवाज कम कर लो ये यहाँ पर हमारे नेबरहुड का बच्चा अरे आवाज कम फुल आजकल के जनरेशन के बच्चों को सब फोन चलाना आता है कैसे करना है स्क्रोल आवाज कम करो थोड़ा बस ये देखो फुल इसको आता है स्क्रोल कैसे करना है करो स्क्रोल करो नीचे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो वो देखो ओए होए क्या बात है भाई फुल डांस भी करता है ये मैंने सुना है डांस करता है डांस करके इसको इसको गाना बजवाओ और इसको डांस करके दिखाओ मैं मान जाऊं ओ डमरू क्या बात है भाई साहब आई आई खुशी देखो बाय व्यूम बाय बाय मेरे को देख के बाय बाय सो भाई लिटरली मेरे घर पे ना व्लॉग मतलब वो ही नहीं चल रहा था वाईफाई नहीं चल रहा था तो व्लॉग भी अपलोड नहीं हो रहा था भाई दो दो घंटे दिखा रहा था कि भाई व्लॉग अपलोड होने में 2 घंटे लगेंगे तो मैंने बोला भाई नहीं भाई इससे अच्छा मैं कहीं अपने नेबर के वहां पर गया और मैंने अपलोड कर लिया भाई हमारे हार्दिक भाई सेम भाई चश्मा पहन के तो ऐसा लग रहा है हमारे गांव में पता है दूध लेने आता था सेम बच्चा सेम ऐसे ही दूध लेने आता था हमारे गांव में बच्चा चेक शर्ट पे आता था सेम लुक हु इज हियर एलिना क्या है पूरा नाम सो बेसिकली शी इज फ्रॉम चाइना मतलब ऐसा है कि हम कितने बार मिले होंगे अभी तक अच्छा आपको तो हिंदी इंग्लिश में बोलना पड़ेगा मेरे को सो नहीं नहीं Let me think first. How many times? Oh, yeah. She is laughing. She is like, कि इधर क्या है ये कौन है ये इसको भगा मैं जा रही थी अभी लिटरली ये ना जा रही थी तो मैंने बोला कि मेरे को व्लॉग में भी लेना है तो इन्होंने अपना पूरा बैग वैग पूरा निकाल दिया फिर बोलते कि चलो ठीक है बट हाँ आपको हिंदी में मैं बोलूँ या फिर इंग्लिश में बोलूँ इंग्लिश ओके शी इज वेरी चालाक ब्रो उनको पता है
आकाश फफलेगा, बट नो, आकाश नोज इंग्लिश. शी इज लाफिंग लाइक ओ शिट, कितना गवार है. नहीं बट अच्छे से आकाश. हाँ, सो हाउ मेनी टाइम्स वी मेट. देखो कितना बढ़िया बंदा बोल रहा है, जैसे इंग्लिश में तो पीएचडी कर रखी हो. मुझे टोक रहे, आप बताओ. साले ले, अच्छा मैं छोड़ दूं. बता बता बताओ. हाउ मेनी टाइम्स हैव वी मेट. हां ये वी हैव मेट टू टाइम्स. टू टाइम्स ना. ओ एंड शी इज वेरी लाइक बोलते ना गुड ह्यूमन बीइंग एंड क्या. अरे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा हूं मैं, समझ रहे हो. इतना तो तुम दोनों को ना दूं मैं. यू आर वेरी प्योर सोल. दिस वन इज वेरी नाइस. यहाँ पर हाई फाइव मेरा खाली रह गया. यस, वहाँ पर तो भाई हंसे जा रहे वो उनको. रशियन. हाँ, और इन्होंने इनको बोला कि ये रशियन जैसे लगते. कहाँ, मैंने बोल दिया ना आपको, क्या लगते हो आप, दूध लेने आते. सेम दूध लेने आते. मजाक कर रहा. बट मतलब आपने इतना जज कर लिया है मेरे को. नहीं अभी जो आपने मेरे को इतना जज कर लिया है, अभी इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं यार. आई नो यू हैव जज्ड मी अ लॉट. आई नो you have judged me a lot, but tell me. I haven't. No. English आता है, but इन लोग के सामने आके ना एक तो हंसते इतना तेज है ना, तो बंदा फफल जाता है और ज्यादा. बट नहीं भाई, मतलब अच्छा बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ. जब मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ तो मेरे को अच्छे से निकलता है. जो आपने मेरे को जज किया, तो उसका मतलब आपको उसके हिसाब से क्या लगता है कि आप आकाश कैसा है. आकाश is very very funny. Very funny. Extremely funny. And I love your English. English? Oh, really? Oh, wow. देखा भाई, तुम लोग हंस रहे थे, ये लोग हैं गवार. English में गवार बोला. Oh, oh. जैसे पता नहीं खुद को मैं गवार हूँ, खुद को बोला नहीं जाता. अरे ये फिर ये क्या बात हुई, आती है सबसे ज्यादा. नहीं नहीं अच्छा करते हो, बहुत बहुत मस्त बोलते इंग्लिश. बट जो भी हो, इनडायरेक्टली वही बोलूंगा, दूध लेने आता है सेम ऐसे लड़का. व्लॉग मैंने बंद कर दिया था, फिर उसके बाद इतनी अच्छी इंग्लिश फ्लुएंट निकली. मेरे को कुछ हिंदी में दो, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ. मुझे आप पसंद आए. आई लाइक यू. आप पूरा बोलो ना. आई लाइक यू लॉलीपॉप के लिए. थैंक यू लॉलीपॉप के लिए. बोलना थैंक यू फॉर दैट लॉलीपॉप. देखो तुमने मेरे को फंसाया, अभी इनको भी प्लीज हिंदी में बोलो. तो ये मतलब ये इंग्लिश में बोलो तो हिंदी में बोलेंगे अभी. अच्छा, टॉकिंग हिंदी, से दैट यू आल्सो रियली लाइक हिज वाइफ. हिंदी में बोलना है आपको. चलो अभी कुछ भी बोलो आप. क्या बोलूं. अरे यार वेरी नाइस. ये तो फिर मैं फालतू चैलेंज नहीं कर रहा भाई. उनको तो अच्छे से आता, वो भी फ्लुएंट आता है हिंदी. नहीं करना भाई ऐसी उंगली, नहीं करनी आकाश. Okay, so guys, अभी हम जा रहे हैं लोखंडवाला, because उधर है love and latte, and we are going to drink latte. And वो ये कि obviously जोई के कार में जा रहे भाई. मैं अपनी एक्टिवा लाया हूँ, बट फिर मैंने बोला कि नहीं यार, वो ज्यादा महंगी हो जाएगी, वो लोग घेर लेंगे उसको, पता है. तो उसकी वजह से फिर मैंने बोला नहीं. बट यार मुंबई में लेनी है यार गाड़ी फॉर श्योर. अभी फोन लिया ना, ये तो ना ही बोलो तो अच्छा ही है भाई. मम्मी बोलेगी इधर चाटे देंगे. पक्का मम्मी सोच रही है सदमे में होंगी भाई मेरी मम्मी की. भाई फोन ले लिया, 2 लाख रुपए हाथ में लेके घूम रहा है. 2 लाख रुपए का हाथ है भाई, हाथ में है मेरे भाई फूल, एकदम डर लग रहा है. बट कोई नहीं, अभी खोएगा नहीं है, बिल्कुल खोना नहीं है. कसम से मैंने खो दिया ना जहाँ पर, फिर तो भाई पापा भी लिख दो नजर ले. बस कमेंट में थूथू लिखना. वो ना पहली बार कोई कमेंट में थूथू करेगा ना, वो हेड जैसा बट अच्छे वे में होगा भाई पहली बार. तो जो ही लेके आई है लव एंड लाटे में, और इन्होंने बोला कि यहाँ का विंटेज कोल्ड कॉफी जो है, विंटेज कोल्ड कॉफी पहली बार सुना है मैंने, यहाँ का बहुत टेस्टी है. तो लेट्स सी, देखते वही मंगाओ और क्या. बाकी भैया की कॉफी जैसे आते हैं उसके बाद पीते, बिकॉज भाई कसम से कल रात से क्या, मैं जोई के घर पे रुका था और मैं सोया भी नहीं था ढंग से. कसम से मैं ये जगह पे लव एंड लाटे में ना कितने बार, इसके रोड से साइड में जो आप लोग रोड देख रहे हो ना, ये रोड से मैं कितने बार गुजर चुका हूँ, 10,000 बार गुजर चुका हूँ, बस एक कभी भी नहीं इधर आया. बट थैंक्स टू जोई, बिकॉज आपने मेरा जो वो था ना ईगो, वो ईगो को ठीक किया. मैं इधर आया, मैंने ये पिया विंटेज कोल्ड कॉफी. इज लाइक डेफिनेटली क्रेजी ब्रो, सुपर क्रेजी. मतलब मजा आ गया यार, आया मजा आए. फिर वही सेम आता है भांजा मेरा, एक दूध लेने आता है गाँव में, सेम चश्मा हटा दो बस, फिर रखते हो ना रशियन एकदम. उसी गाय से तेरे लाभ नहीं पड़वाई ना मैंने साले. फैमिली व्लॉग चैनल है, नो साले एंड ऑल. ओके सॉरी गाइस, पूरा पता चल रहा है कि कैसे गवारों की तरह पिया है. यहाँ पर देखो जोई का बचा हुआ है, लिटरली कितना सारा बचा हुआ है, और यहाँ पर कोई गवारों की तरह फुल दबाया है यहाँ पर. भाई साहब मेरा तो थोड़ा चलो बचा भी है ना, यहाँ तो बस वही लस्सी समझ के जो पिया है ना अपने.
कॉफी पीने के बाद अभी डायरेक्ट ये लोग को मन कर रहा है पानी पूरी पीने का. पीने का? ओ खाने का. तीन प्लेट क्यों भाई? स्पेशल है यहाँ पे. नहीं नहीं, स्पेशल मैं नहीं खाता. मेरे को पता नहीं क्यों, कुछ तो ऐसा फोबिया है दैट मैं पानी पूरी खाता हूँ मेरे को खांसी हो जाती है भाई. दो ही देना, दो प्लेट ही देना. ठीक है, आप में से एक दो ट्राई कर लो. पहले में इतना ज्यादा तीखा लग गया, मैं बोल तो रहा था मेरे गले पे चुभता है यार, बहुत ज्यादा चुभता है गले पे. मजा तो कब आता है मेरे को, इतना ज्यादा पानी पूरी में नहीं आता जितना इसमें आता है. ये लास्ट की जो बचती है ना, सूखा क्या बोलते हैं इसको, सूखा पूरी भाई. ये तो मेरी दीदी थी, दबा के खाती है. ये पूरा फूड व्लॉग ही हो रहा है भाई. यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए हम आए हैं. वेरी गुड जोई, क्या मस्त, मतलब इतनी प्यारी प्यारी आइसक्रीम है, बट मेरे को इतना ज्यादा मजा इसमें नहीं आया. मैं ये वाला खाऊंगा. मुझे ये वाला चाहिए. ओके सो गाइज, अभी बच चुके हैं 11 एंड अभी यहाँ से निकल रहे हैं डायरेक्ट घर. एंड वो ये कि अभी घर जाऊंगा. एंड ऑब्वियसली भाई इतना ज्यादा ठंड लग रहा है भाई. मुंबई में ठंड कहाँ से पड़ने लगी? ठंड नहीं लग रही आपको? नहीं तो. अरे यार मेरे को तो थोड़ी बहुत लग रही. मैंने हाफ पहना एंड शुक्र मैंने, मेरे पापा हमेशा बोलते हैं. मैंने भी हाफ कर रखा. तो आपको मुझसे मतलब देहरादून से ज्यादा चंडीगढ़ में ठंड पड़ रही थी ना जब मैं गया था चंडीगढ़. मेरे को तो फीलिंग हुआ भाई ऐसा ठंड लग रही है. तो फिर मैं शुक्र मेरे पापा मेरे को बोलते कि डिग्गी में रख लिया कर. तो डिग्गी में क्या है ना, मैं मतलब अपने लिए स्वेटर वगैरह रखता हूँ. ये रहा हमारा स्वेटर भाई. पापा बोलते हैं कि भाई कसम से रख लिया कर क्योंकि ठंड का पता नहीं होता. एक तो मेरा घर भी इतना जंगल के अंदर है ना, तो फिर मेरे को स्वेटर वगैरह रखना ही पड़ता है. बट ये अच्छा मेरे को ये तो बता दो कि आपने हाथ में कौन सा फोन पकड़ रखा है? iPhone 14 Pro Max. ओ वाओ भाई, फ्लेक्स तो हर एक एक दिन करूंगा. दिन में एक डोज तो देना है हार्दिक भाई को. और यहीं से फेंक दूं मैं इसको क्या? ऐसे 14 Pro Max ऐसे कर दूं मैं, देखूंगा हार्दिक भाई ये फिर क्या है. हार्दिक समझ के ना कॉलर पकड़ के उठा के फेंक दूंगा. अभी तो वो ये कि पहले हार्दिक भाई को घर छोड़ूंगा, फिर देन उसके बाद अपने घर जाऊंगा. तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. होप करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा. अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करने का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, लव यू.